हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फुल सबट्रैक्टर। इससे पहले टॉपिक हमने किया था हाफ सबट्रैक्टर। तो फुल सबट्रैक्टर का बेसिकली देखिए क्या मीनिंग है। इट परफॉर्म्स द सबट्रैक्शन बिटवीन टू बाइनरी इनपुट्स। ओके, सबट्रैक्शन सेम वही है हाफ सबट्रैक्टर की तरह ही, दो बाइनरी इनपुट्स के बीच में ही सबट्रैक्शन है। बट यू हैव टू टेक इन टू अकाउंट दैट वन बिट इज बोरोड बाय लोअर स्टेज। ओके, हम ये मान के चलते हैं कि एक बिट हमारी लोअर बिट से हमने बोरो की हुई है। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर सब्ट्रैक्शन बिटवीन थ्री इनपुट्स हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन बिटवीन थ्री इनपुट बिट्स। तो आउटपुट एज आपको मालूम ही है, जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो एक आउटपुट आपका डिफरेंस होगा और एक आउटपुट आपका क्या होगा, बोरो होगा। जैसे हमने हाफ सब्ट्रैक्टर में किया था, डिफरेंस बिटवीन टू बाइनरी इनपुट्स किया था और उसमें हमारे पास दो आउटपुट्स थे, एक था हमारे पास डिफरेंस और एक था हमारे पास बोरो। सिमिलरली फुल सब्ट्रैक्टर में सब्ट्रैक्शन बिटवीन थ्री बाइनरी इनपुट्स है और आउटपुट्स हमारे पास दो ही आएंगे, डी और बी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। सबसे पहले आपने ट्रुथ टेबल डिसाइड करनी है। तो ट्रुथ टेबल के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास थ्री इनपुट्स हम ले लेते हैं, एक्स वाई और जेड, और यहाँ पर हम आउटपुट ले लेते हैं डी और बी। ओके, तो थ्री इनपुट्स हैं, यहाँ पर हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास एट कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। जितने इनपुट्स होते हैं 2x पावर उतने ही हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन रहेंगे। तो थ्री इनपुट्स हैं तो 8 कॉम्बिनेशन है 0 to 7 तक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जेड से। तो जेड हमारा है, देखिए इस तरह से टेबल आप कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले ये हमारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ये हमारा थ्री इनपुट्स हैं। अब हम डी और बी को कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको जहाँ पर चेंजेस हैं वहाँ मैं आपको बताती रहूँगी, बाकी टेबल आप ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखिए 0 - 0 - 0, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 0 - 0 - 0, 0 - 0 = 0 एंड 0 - 0 - 0। तो डी भी 0 है, बी भी 0 है। बोरो 1 तब होगा जब आप कुछ बोरो करेंगे, जब आपको ज़रूरत है। अगर आप कुछ भी बोरो नहीं करें तो डी भी 0 है, बी भी 0 है। तो डी 0, बी 0। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमारे पास देखिए क्या है, 0 - 0 - 1। तो यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, इसी के ऊपर नेक्स्ट हमारे जो भी कॉम्बिनेशन आप खुद कर सकते हैं। तो 0 - 0 - 0 - 1, तो ये 0 - 0 क्या हुआ, 0 - 0 - 1। तो देखिए 0 - 1 पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर हम एक बोरो करेंगे। तो बोरो करेंगे तो हमारा बी क्या हो जाएगा, 1। जब आप बोरो करेंगे तो ये 0 क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। ओके, तो 1 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 2 - 1 = 1। देखिए 1 from 0 पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम एक बोरो करेंगे। बोरो में हमारा बी 1 हो जाएगा। जब बी 1 हो जाएगा तो 0 के आगे ये 1 आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, 2 - 1 = 1। ओके, तो यहाँ पर हमारा डी भी 1 हो जाएगा और बी 1 हो जाएगा। इस तरह से आप सबट्रैक्शन कर सकते हैं। देखिए 0 - 0 = 0, 0 - 1 = 1, बोरो भी 1 है, 1 - 1 = 0, बोरो 0, और 1 - 0 = 1, बोरो 0। ये आपका डी है, ये आपका बी है। इन्हीं कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके 0 - 1 - 1 - 1 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0, इन्हीं कॉम्बिनेशन को यूज़ करके हम ये टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कॉलम देखिए, 0 - 1 - 1 - 1 - 0 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 0। देखिए 0 - 1 - 1, तो ये हमारा बोरो 1 हो जाएगा, तो ये हमारा 2 हो जाएगा, 2 - 1 - 1 - 1 - 0, डी 0 है और डी हमारा क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1, बोरो 0, 1 - 0 - 1 - 1 - 1 - 0, ये भी हमारा 0 है। यहाँ देखिए 1 - 1 - 0 है, 1 - 1 - 0, 1 - 1 - 0, 0 - 0 - 0, तो डी भी 0 है, बी भी 0 है। लास्ट कॉम्बिनेशन है 1 - 1 - 1, तो 1 - 1 कितना होगा, 0, 0 - 1, 0 - 1 का मीनिंग क्या होता है, डी भी 1 है, बी भी 1 है। तो ये हमारा ट्रुथ टेबल बन जाएगा डी और बी के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने इसे एक्सप्रेशन के फॉर्म में राइट आउट करना है। तो एक्सप्रेशन के फॉर्म में आप देख सकते हैं, डी का एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा 1 2 4 7
1, 2, 4, 7 ये हमारा डी का एक्सप्रेशन है। डी का एक्सप्रेशन हमारे पास देखिए क्या आएगा, 1, 2, 3, 7 तो डी का एक्सप्रेशन आएगा 1, 2, 3, 7 ओके। ये हमारा डी का एक्सप्रेशन है और ये हमारा किसका एक्सप्रेशन आएगा, डी का एक्सप्रेशन आएगा। अब हमने क्या करना है, बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। अगर ये बूलियन एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाता है तो इसे मिनिमाइज फॉर्म में लाएंगे हम। मिनिमाइज फॉर्म में लाने के बाद हम इसका सर्किट डायग्राम डिजाइन करेंगे। तो ट्रुथ टेबल आप ड्रॉ कर चुके हैं। अब हम एक्सप्रेशन का क्या करेंगे, पी मैप डिसाइड करते हैं। तो 1, 2, 4, 7 नीचे हमारे पास बी के लिए है 1, 2, 3, 7 तो इसका पी मैप डिजाइन करते हैं। बी का मैं आपको करके दिखा रही हूँ, देखिए बी के लिए पी मैप है। इनपुट हमारे पास है एक्स वाई जेड 0, 1, 0, 0, 0, 1, 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
को सॉल्व कैसे करना है। ऑलरेडी मेरे चैनल पर मैं वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें 3 वेरिएबल के मैप और 4 वेरिएबल के मैप के अलग अलग एग्जांपल्स बता रखे हैं मैंने। तो हमारे पास आज 3 वेरिएबल के मैप है, 3 इनपुट्स हैं, तो 8 कॉम्बिनेशन वाला के मैप हम ड्रॉ करेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और 7 हमने लेना है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, 5, 6, 7 ये है हमारे पास। तो ये हमारा के मैप ड्रॉ हो चुका है। ड्रॉ करने के बाद हम उसकी ग्रुपिंग करेंगे। अब ग्रुपिंग कैसे करनी है, ग्रुपिंग के रूल्स ऑलरेडी मैं से प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। यहाँ पर ये आपने 1-1 की ग्रुपिंग कर ली, तो इस तरह से आप एक्सप्रेशन को देखिए कैसे लिख सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप के लिए अगर आप देखते हैं ये वाला ग्रुप है जो हमारा, इस ग्रुप के लिए एक्स बार जेड रहेगा एक्सप्रेशन। और इस ग्रुप के लिए देखिए ये जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है इसका एक्सप्रेशन रहेगा एक्स, और एक्स नहीं इसका जो रहेगा वाई जेड। और इस ग्रुप के लिए इस ग्रुप में एक्स बार और ये हमारा रहेगा वाई। ओके, इसी तरह से आपने डी का भी सॉल्व करने की ट्राई करनी है के मैप से। अगर आपको लगता है वहाँ ग्रुप्स पॉसिबल हैं तो ग्रुप्स पॉसिबल ड्रॉ करने हैं आपने, और ग्रुपिंग के बेस पर आपने बूलियन एक्सप्रेशन इस तरह से बनाना है। अगर आपको लग रहा है उसमें ग्रुपिंग नहीं है तो जो आपको एक्सप्रेशन बनाया जा रहा है यहाँ पर 1 से देखिए क्या बनेगा, आप एक्स वाई जेड में बना सकते हैं, एक्स बार वाई बार जेड रहेगा। 2 के लिए हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा देखिए मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। 1 के लिए रहेगा एक्स बार वाई बार जेड, 2 के लिए रहेगा एक्स बार वाई जेड बार, और 4 के लिए रहेगा एक्स वाई बार जेड बार, और 7 के लिए एक्स वाई जेड। इसको मिनिमाइज़ करने का ट्राई कर सकते हैं, अगर ये मिनिमाइज होता है देन इट्स ओके, अगर ये नहीं होता तो हम इसी का ही सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ओके, तो मैं अब आपको आज बी का सर्किट डायग्राम डिज़ाइन करके दूंगी सो दैट डी का आप उसके अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो अब हमने क्या करना है, लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है, हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन करना है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन पता होना चाहिए हमें। इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ टॉप पर लिख लेती हूँ। ये हमारा एक्सप्रेशन बी का है। देखिए बी का मैं आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके दे रही हूँ, डी का आपने खुद ड्रॉ करना है। ओके, जो हमारा कंप्लीट फुल सबट्रैक्टर का कॉम्बिनेशनल सर्किट रहेगा आज का। तो देखिए इस तरह से ड्रॉ करना है, 3 इनपुट है एक्स वाई जेड, तो हमें चाहिए एक्स बार इंटू जेड। फर्स्ट एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, एक्स बार डॉट जेड है, तो ये एक्स बार है, ये आपने जेड लिया और एंड गेट लगाया, ये हमारा बन गया एक्स बार डॉट जेड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वाई जेड, तो ये वाई है, ये जेड है, ये हमारा हो गया वाई जेड। नेक्स्ट है एक्स बार डॉट वाई, तो ये एक्स बार ये वाई, तो एक्स बार वाई वाई जेड। आप इन तीनों में देखिए कौन सा ग्रेट है हमारे पास, ऑन ग्रेट, ये हमारा एक्सप्रेशन आएगा बोरो का। ये सर्किट डायग्राम है बोरो का, इसी तरह से आपने डी का सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन होता है फुल सबट्रैक्टर का। इससे पहले जो हमने किया है वो है हाफ सबट्रैक्टर, और उससे प्रीवियस लेक्चर में मैं हाफ एडर और फुल एडर आपको करवा चुकी हूँ।
तो कॉम्बिनेशन सर्किट अभी और भी है करने के लिए हमारे पास, डिकोडर, एनकोडर, मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फुल सबट्रैक्टर, जिसे आपने डायग्रामेटिकली अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है। सर्किट डायग्राम को ट्रुथ टेबल डिज़ाइन कीजिए और उसके बाद बूलियन एक्सप्रेशन देखिए कैसे बनेगा और उसको सर्किट डायग्राम तक लास्ट स्टेप तक आपने लेके जाना है। ठीक है, थैंक यू।